अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेहतमंद रमज़ान पावर्ड बाय एमफिट। दिस इज़ हिना दीदार। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में हम अपने मनपसंद खाने, चटखारी चीज़ों को भरपूर अंदाज में खा रहे होते हैं, लेकिन यू नो व्हाट, इस दौरान हमारी हेल्थ और फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत लाजमी है। और स्पेशली ख्वातीन के लिए जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर लाइफ में आगे बढ़ रही होती है, किचन की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, तो इस दौरान ख्वातीन को अपनी फ़िटनेस जर्नी कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका एक हल ज़रूर है और वो हल है इस ऐप के ज़रिए जिसका नाम है एम फिट। तो आज इस ऐप के बारे में हम आपको बताएँगे और इसकी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे एम फिट ऐप की को फाउंडर नूर शौकत से। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नूर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एम फिट की किस तरह स्टार्ट हुई, किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप इस मिशन को लेके आगे बढ़ रही हैं? है ना, स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है जब हम यूनिवर्सिटी में थे। सो एम फिट मैंने अपनी बहन के साथ स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी के बाद। तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे, वी वर बोथ एट ऑक्सफर्ड, हम इंग्लैंड गए पढ़ने। वहाँ पे एक स्पोर्ट होता है रोइंग के नाम से, वो हमने शुरू किया और वो एक बहुत ही स्ट्रेनुअस स्पोर्ट होता है जिसमें आप अपनी टीम के साथ बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेन करते हैं, सुबह 6 बजे उठ के रिवर पे जाते हैं, बर्फ़ हो, ठंड हो, बारिश हो, आपने जो है वो रिवर पे रोइंग करनी होती है। तो उस एक्सपीरियंस ने हमें जो एक कॉन्सेप्ट जिसे इंट्रोड्यूस कराया था ना, वो ये था कि जब आप मिल के एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो इट बिकम्स अ लॉट ईजियर एंड फन। एक और जो बात ऑक्सफर्ड में आई थिंक हमने बहुत सरप्राइजिंग थी, वो ये थी कि जो बंदा मेंटली और स्पिरिचुअली और इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, वो फिज़िकली भी अपने आप को स्ट्रांग रखता था। शायद यहाँ पे हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में ये समझा जाता है कि बच्चों को पढ़ाई पे लगाओ तो उनको डिस्ट्रैक्ट ना होने दो, उनको स्पोर्ट्स ना खेलने दो। तो हमें वहाँ जाके एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि अगर आपने पढ़ाई में नंबर वन होना है तो आपको फिजिकली भी अपने आप को नंबर वन करना है। तो ये एम फिट की जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आगाज़ है, ये वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से हुआ। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। नूर, आप खुद एक मदर हैं, यू आर वुमेन, राइट? आपके भी बच्चे हैं, सो यू बेटर अंडरस्टैंड कि ख्वातीन के लिए अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं जनरली अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अगर हम स्टैट्स पढ़ते हैं, हेल्थ और फिटनेस के स्टैट्स, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया में नंबर 3 है डायबिटीज़ के केसेस में। ब्लड प्रेशर और हार्ट डिज़ीज़ 1 किलर है पाकिस्तान में। बच्चों को अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 40-50% बच्चों की आबादी, एक ख़ास तबके के जो बच्चे हैं, वो ओवरवेट हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हमें एक टाइम था 20-25 साल पहले जब लगता था कि शायद ये तरक्की याफ्ता ममालिक के मसले हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी ये हमारे पाकिस्तान के मसले बन गए हैं और हमारे सामने जो नंबर्स हैं वो इस चीज़ को शो करते हैं। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है सबके लिए, पहले तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक यू नो, हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में औरतें जो हैं वो घर बनाती हैं। जिस तरह आपने मेंशन किया, बच्चों का, हस्बैंड का, पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं, किचन चलाती हैं ज़्यादातर। तो हमें ये लगता है कि अगर हम एक औरत को बदल सकते हैं तो हम अपनी आने वाली नस्लों को बदल सकते हैं। और अगर इंशाल्लाह जब हम अपने मिशन में कामयाब होंगे, सब पाकिस्तान की सब औरतों को फिट करने का जो हमारा मिशन है, तो हमें ये पता है कि आज से 15-20 साल बाद हमारी नस्ल बदल जाएगी, हमारे नौजवान बदल जाएंगे, क्योंकि वो अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल बखूबी रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा नूर, रमज़ान का महीना है एंड जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ख्वातीन पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो जिम जाती हैं लेकिन इस महीने जा नहीं सकती क्योंकि एनर्जी लेवल वो उतना नहीं रहता कि उन्हें टाइम मिले वो जिम जाएं या वर्कआउट करें। तो एम फिट ऐप जो है, इसकी ऐसी क्या ख़ास बात है, ऐसी क्या यूनिकनेस है, क्या ऐसी फ़ीचर्स हैं इसके कि इस ऐप के ज़रिए वो अपने अपनी फ़िटनेस को मेनटेन रख सकती हैं? सो देखें, ये ऐप जो है ना, ये एक हल है उन सब मसलों का जो हमें खुद फेस हमने किए, मैंने और मेरी बहन ने फेस किए। हमने एम फिट शुरू किया जब हम अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए थे, उस वक्त तो बहुत टाइम था, उस वक्त रूटीन इतनी बिजी नहीं थी, साथ साथ फिर
शादी हुई, बच्चे हुए, दो बच्चों के साथ जो आपकी एक रूटीन होती है, आपने घर भी देखना है, काम भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, बहुत मुख्तलिफ होती है और वाकई बहुत मुश्किल होता है अपने लिए टाइम निकालना। और ये जो ऐप है ये उन सब मसलों का एक हल जो हमें लगता था कि हमें खुद अपने लिए चाहिए और साथ साथ अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स, यू नो, मेरी मदर के लिए, अपनी बहन के लिए, हर तरह की जो हमारे इर्द गिर्द लड़कियां हैं और औरतें हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक हल हमने निकालना चाहा था। और इसमें जो सबसे यूनिक बात है कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी आपका फिटनेस गोल हो, हमने अपनी जिम्मेदारी बना ली है कि हम आपको आपके गोल के अगेंस्ट जो है वो रिजल्ट्स दिखाएं। तो इसकी दो स्टेप प्रोसेस होता है फिटनेस का। सबसे पहले आपने अपने खाने को देखना है और बदलना है, और उसके बाद आपने वर्कआउट करना है, और वर्कआउट भी वो जो आप बड़े आराम से, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आप बड़े आराम से अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। खाना भी आप घर के खाने पे ही मबनी आपको एक मील प्लान मिलता है, और वर्कआउट भी ऐसा जो आप घर में कर सकें, 15-20 मिनट में कर लें, इक्विपमेंट के बगैर कर सकें, जिस तरह की आपको गाइडेंस चाहिए आपको वो जो है वो मिलती है आपसे अपने पर्सनल कोच के थ्रू। जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये वजह हैं जिसकी वजह से औरतें नहीं वर्कआउट कर पाती, फिट नहीं रह पाती, उन सब मसलों का जो है हल इस ऐप में दिया गया है। ऑलराइट नूर, हम वैसे अगर सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आजकल जो यंग लड़कियां हैं वो वेट लॉस को लेकर बहुत कॉन्शियस नज़र आती हैं, बहुत से तरीके आ गए हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स कर रही होती है, कोई कीटो, तो क्या क्या डिफरेंट तरीके के जो डाइट्स आ गए हैं, तो ये ऐप ख़वातीन को किस तरह हेल्प करेगी कि वो एक परफेक्ट, ईजी और इन्जॉय करते हुए अपनी फिटनेस जर्नी कंटिन्यू रखेंगे? ये बहुत आपने जो है ना सही और अच्छा सवाल पूछा है ना, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम फेस होता है कि भाई हमने वज़न लूज़ करना है और जल्द अज जल्द लूज़ करना है। तो उनको हम ऐप के थ्रू तो एक ही चीज़ कहते हैं कि जो लाइफस्टाइल आपका बदलना होता है ना, वो एक ओवर टाइम स्लोली और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अगर आप क्विक फिक्स ढूंढेंगे, जल्दी गिरेगा वज़न लेकिन जल्दी वापस भी आएगा, और जब वो वापस आएगा तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा पहले से। तो एमफिट के जो भी एक प्रोसेस हम सजेस्ट करते हैं, हम मील प्लान का जो प्रोसेस सजेस्ट करते हैं और वर्कआउट का जो प्रोसेस सजेस्ट करते हैं, उसका सबसे बड़ा गोल ये है कि आप आसानी से कर सकें और आप उसको सस्टेन कर सकें, और आपका वज़न भी कम हो लेकिन साथ साथ आपकी बॉडी को कोई और नुकसान ना पहुंचे। आपने डाइट्स की बात की है जो मार्केट में है, और सोशल मीडिया की एज में तो और ज़्यादा प्रेशर है कि अच्छा दिखना है, वज़न कम रखना है, लेकिन यही डाइट्स, ठीक है, इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, आपकी सेहत वैसे गिरती है, आपके जो है वो स्किन, आपके दांत, आपकी हड्डियाँ, काफ़ी जो आपको कमज़ोरियाँ वैसे बॉडी में आती हैं उनका उस वक्त शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं वाकई सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ क्विक फिक्सेस, जल्दी वज़न कम करने वाले जो हर्बे हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि इनका आपको लॉन्ग टर्म सेहत के ऊपर आपको बहुत नुकसान होता है। एग्जैक्टली अच्छा नूर, सिंस ये ऐप स्पेशली एक्सक्लूसिवली फॉर वेमेन है, राइट, तो ख़वातीन हमारी सोसाइटी में क्या ये कल्चरल इन्फ्लुएंस है कि ख़वातीन अपने फिटनेस को लेकर लाइक इतना सीरियस नहीं होती, या आप समझती हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो वो फोकस नहीं कर पाती हैं, तो इन ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देंगे आप? सो हमारी सोसाइटी में ना एक शायद एक इम्प्रेशन है कि शायद हमारी हमारे माशरे में लोगों को फिटनेस का ख्याल नहीं है, जानकारी नहीं है, उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती ये चीज़। ये बात मैं समझती हूँ ये बिल्कुल एक्चुअली ट्रू नहीं है। यस, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम जिस तरह के हम कभी खाने खाते हैं, जिस तरह आपने रमज़ान में बात की, इफ्तारी में काफ़ी तली हुई चीज़ें खाई जाती हैं, लाइफस्टाइल्स हैं कुछ ऐसे जो कि इम्प्रूव करने की जिनको ज़रूरत है, लेकिन
हर इंसान और स्पेशली औरतें वो अच्छा दिखना भी चाहता है, अच्छा फील भी करना चाहता है. तो हमने जो सबसे पहले चीज़ समझी कि यू नो, अच्छा अगर सब करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हमारी औरतें, क्यों नहीं कर पा रही, और हमें बहुत जेन्युइन रीजंस नज़र आए कि वाकई नहीं कर पा रही, टाइम नहीं है. ऑनेस्टली अब आप अपने इर्द गिर्द देखें, मुझे लगता है सबसे बिजी शायद हमारे घर में हमारी माएँ और हम बाकी औरतें होती हैं जिन्होंने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है. टाइम की कमी होती है, फिर और बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, गाड़ी नहीं है, जा नहीं सकते, जिम की मेंबरशिप महंगी बहुत है, एक्सपेंसिव बहुत है, न्यूट्रिशनिस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, और यू नो इस तरह की काफ़ी वजूहत होती हैं. कुछ कुछ को घर से इजाज़त नहीं होती कि आप बाहर जाएँ, आप जिम में जाके वर्कआउट करें. तो एक हमारे माशरे का जो एक सेटअप है उसमें रहते हुए ये बैरियर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और लेकिन ऐसे नहीं है कि इनको ओवरकम नहीं किया जा सकता. तो अब अगर आप घर में रहते हुए कम पैसों में आप अपना वर्कआउट भी पूरा करें, अपनी डाइट भी पूरी करें, अपनी मोटिवेशन लेवल भी ऊपर रखें, आपको कोई सवाल हो, कोई आपके जहन में कंफ्यूजन हो, आप अपने पर्सनल कोच से पूछें, ये सारा कुछ आपको एम्फिट ऐप के थ्रू जो है वो मिलता है. और इसीलिए ये फीचर्स हैं ऐप में क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि यही सब चीज़ें जो हैं वो औरतों को रोकती हैं कि वो अपनी रूटीन में फिटनेस को हैं वो शामिल करें. नूर, आज जो हमारा शो देख रहे हैं वो भी डेफिनेटली डिफरेंट एज ग्रुप की लड़कियां या ख्वातीन होंगी, और आपका जो ऐप है एमफिट ये भी टारगेट डिफरेंट एज ग्रुप को कर रहा है. तो अगर हमारी लाइक हमने जिक्र किया नानी चाची या जो भी ख्वातीन हैं उन्हें अपने फिटनेस का ख्याल रखना बहुत लाजमी है, तो वो इस ऐप के ज़रिए कितना कनेक्ट फील करेंगी ख़ुद को? क्योंकि घर पर बैठ के अक्सर लोग सोचते हैं यार बोरिंग हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, वो हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, अब वो कंटिन्यू रख पाए नहीं रख पाए, तो ऐसा क्या लाइक सरप्राइजिंग होगा उनके लिए, इंटरेस्टिंग होगा, और साथ साथ जो देख रहे हैं हमें वो अगर फिटनेस जर्नी एम फिट के ज़रिए वो कंटिन्यू ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे साइन अप करें? जी है ना, पहली चीज़ तो मैं यही रीइंफोर्स करना चाहूँगी कि फिटनेस हर एज ग्रुप की और हर बैकग्राउंड की औरत मर्द बच्चे सब के लिए ज़रूरी है. चाहे आप यंग हैं और आपका मकसद है कि आपने वज़न कम रखना है, या आपकी एज थोड़ी बड़ी है और आपको घुटनों में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ज़रूरी तो सबके लिए है. और ऐप का भी मकसद यही है कि हम सब बैकग्राउंड्स एज ग्रुप्स की औरतों को केटर करें. सो अगर आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, डांस करना है, तो आप वो भी ऑप्शन है ऐप पे. और अगर आपने लो इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, आपको कोई इंजरी है या आप अभी बिगिनर हैं, आपको टेक्निक नहीं सही से आती, तो आप वो भी, उनको भी ऐप जो है वो केटर करती है. और जो एक शायद सरप्राइजिंग बात होगी कि ऐप के थ्रू आप लाइव ये क्लासेस ज्वाइन करके अपना कैमरा ऑन करके अपनी इंस्ट्रक्टर से लाइव फीडबैक हासिल कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, वो आपके पोस्चर को घर बैठे ठीक करेंगी, आपको ऑप्शंस देंगी, आप उनको वहीं पर बता सकते हैं कि जी मेरे हाथ में या नी में दर्द हो रहा है, मेरे से ये मूव नहीं हो रही. साथ ही साथ क्लास के बाद भी आप अपनी इंस्ट्रक्टर और अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिस तरह स्कूल में आप अपनी फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एंड दैट मेक्स लर्निंग सो मच फन. सबको अपना स्कूल और यूनिवर्सिटी का टाइम याद है. इसी तरह हम ऐप के ज़रिए डिजिटली एक कम्युनिटी बनाते हैं कि आप हर वक्त अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, अपनी टीचर के साथ और अपने बाकी फेलो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करें और मोटिवेटेड रहें. और साइन अप का तरीका भी बहुत आसान है, बस आप ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें. ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग नूर, हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली एम फिट ऐप के हवाले से, एंड आई होप लोगों को बहुत पसंद आया और इस जर्नी को ज्वाइन करें. लेकिन अब वक्त हुआ है रैपिड फायर राउंड का, सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस एब्सोल्युटली. ओके, लेट्स बिगिन. ऑल राइट, अब हम शुरू करने वाले हैं अपने रैपिड फायर राउंड का, और देखते हैं कि नूर फिटनेस की तो बातें बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, खुद कितने फिट हैं, क्वेश्चंस कितना क्विक उसके आंसर्स देती हैं. चले जी, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से फिटनेस? कॉन्फिडेंस. योर फिटनेस इंस्पिरेशन? माई सिस्टर. स्क्वाट्स, प्लैंक्स, बर्पीज, विच वन डू यू फाइंड द मोस्ट चैलेंजिंग? बर्पीज. मॉर्निंग वर्कआउट्स और इवनिंग, व्हाट डू यू प्रेफर? इवनिंग. ओके, समोसाज और पकोड़ाज, योर गिल्टी प्लेजर? रमजान है तो पकोड़े, बट नॉट गिल्टी बिकॉज वी आई ईट इट एज पार्ट ऑफ माई मील प्लान ऑन द ऐप. ओके, योगा, डांस और पिलाटेज, विच इज योर पर्सनल फेवरेट? 5 साल पहले तक डांस,
लेकिन बच्चों के बाद पिलाटिस. ओके, माय फिटनेस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज़ यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. बिकॉज़ आई वांट टू बी माय बेस्ट सेल्फ फॉर माय सेल्फ, माय किड्स एंड माय फैमिली. व्हेन आई एम फीलिंग लो ऑन मोटिवेशन आई, यू फिनिश द सेंटेंस, डू अ डांस वर्कआउट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, यू वर सो क्विक एंड इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू. आई होप के हमारे व्यूअर्स ने एम फिट के बारे में बहुत ही इन्फॉर्मेशन ले ली है और वो इंशाल्लाह साइन अप करेंगे और फिटनेस की जर्नी को इंजॉय करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.